सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि जी आप सब दोस्त ठीक होंगे और आपकी दुआओं से जी हम सब ठीक ठाक हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड था जो शबाज़ भाई ने आपके साथ जो जो एक्टिविटी हुई वो सारी आपने देखी, तो अभी हम इस मौजू पे बात करेंगे कि 221 एपिसोड था जो, वो क्या होगा का। उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो कि हम कैमरे के ऊपर आपको उसको अगर दिखाएं तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा इंसान होगा जो ये कह सकेगा कि यार ये काम आप ना करें, आप ये काम छोड़ दें। मतलब इतना ज़्यादा रिस्क हमने उठाया और उनकी तबीयत शबाज़ भाई की अभी भी ठीक नहीं है। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कि आज मैं ये वीडियो 17 जुलाई और रात के 1:40 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये नहीं बता सकते कि यार हमारे साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि जब हम उस घर में मौजूद थे तो उस घर में हुआ ये कि मैं और शबाज जब घर से बाहर आते हैं तो एकदम से शबाज नोट करता है कि घर के अंदर से ना एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनने के लिए वो घर के अंदर जाता है। और घर के अंदर जाते ही ना तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे और साथ वकाश था कैमरे के ऊपर, एहसन भाई उसे नहीं थे, तो उसने जब वकाश और मैंने लेफ्ट साइड पर अपने देखा तो ना ऐसे लगा कोई जानवर था, झाड़ियाँ वगैरह हिली। उतनी देर ना शबाज़ पीछे मुड़ के कुछ देख रहा था, वो सीन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए लेकिन हमने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी, क्योंकि हमारे कैमरे ना दोनों, मेरा और वकास का कैमरा दोनों ना लेफ्ट साइड पे था। और एकदम से कोई काला सा शेडो, ब्लैक शेडो नुमा चीज़ आई और उसने ना शबाज़ भाई को खींच के इतनी स्पीड में कमरे के अंदर ले गई कि हम उसको मतलब पलक झपकते ही ये सारा काम हुआ। 2 से 3 सेकंड में ये सारी चीज़ हुई, समझ नहीं लगी रही, एक बड़ी खौफनाक किस्म की आवाज़ आई। तो उसके बाद एक हफरा दफरी सी मच गई, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले अपने दोस्तों को कॉल की और हम काफ़ी दूर थे, वहाँ पर आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था, एक हॉस्पिटल था जहाँ पर हम ले के गए, तो डॉक्टर्स की समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है शबाज़ भाई को, क्योंकि वो अजीब गरीब हरकतें कर रहे थे। तो खैर हमने मूव ऑन किया जल्दी से किसी और हॉस्पिटल की तरफ, तो हम लाहौर में शालीमार हॉस्पिटल पहुँचे। तो रास्ते में हमने अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया, तकरीबन 1:45 लगे हमें हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो ना वहाँ पे मतलब डॉक्टर्स ने जब शबाज़ की कंडीशन देखी तो उसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बीमार है, वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, ज़ुबान बाहर निकालना, आंखें उसकी रेड हो गई। तो हमने मतलब ना हम सारे डर गए, दोस्त थे हमारे साथ। अब हम डॉक्टर्स को ये नहीं बता सकते थे कि हम गोस्ट हंटर हैं, हम गोस्ट हंटिंग करते हुए हम एक घर में गए, वो घर नहीं था सही, तो वहाँ के वहाँ पर जाकर शबाज़ के साथ ऐसे मामला हुए। तो खैर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने इम्तियाज़ भाई, इनको हमने कॉल की जी, वो भी आ गए फौरन, दोस्त सारे हमारे आ गए। इम्तियाज़ भाई ने डॉक्टर की ये बात कही कि हम किसी गांव से मेला देखकर आ रहे थे वापस, तो रास्ते में शबाज़ भाई किसी दरख्त के नीचे खड़े हो गए और वहीं पे उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जो हमें नज़र नहीं आई, उनकी चीख निकल गई। उन्होंने मेरे ख्याल से ये बताया था कि इम्तियाज़ भाई ने कि शबाज़ भाई किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर ना वॉशरूम करना शुरू हो गए थे और उसके बाद ही उनके साथ ये एक्टिविटी हुई। डॉक्टर्स को ये बताया हमने, डॉक्टर को हमने या मैंने या बाकी लड़कों ने ये नहीं बताया कि हम गोस्ट हंटिंग करते हैं और हम किसी ऐसे घर में गए थे जहाँ पर हमारे साथ ये मामला हुए। तो खैर ये सारा मामला बताने के बाद उन्होंने ना, अब होश तो नहीं थी हमें, मतलब हम कैमरे वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे थे लेकिन हमारे मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी, गोप्रो चल रहा था,
अब थोड़ी बहुत सीन्स हमने अपने फ़ोन में और कैमरास में कैप्चर कर ली है, लेकिन हमारे जो प्रॉपर तौर पर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी जान का मतलब हमें जान के लाले पड़े हुए थे कि हम उसकी जान को कैसे बचाएं, ये वो मतलब डॉक्टर आ रहे थे, चेक कर रहे थे, डॉक्टर ने ना हमें बाहर भेज दिया। कुछ मिनट्स की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है जो आपको मैं दिखाता हूँ। हेलो हेलो ओ क्या हुआ चल के जाओ यार, चल के भाई जाओ, शाबाश आओ आओ आओ, चलो 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 शाबाश। जैसा कि आपने ये वीडियो देखी तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझे ना मुझे और सब बाकी सब दोस्तों को बाहर निकाल दिया। तो उसको बाहर निकालने के बाद शबास व्हीलचेयर के ऊपर था, उसको उठा के उन्होंने बेड के ऊपर लटाया और उससे पूछने लग गए कि मतलब तुम क्या नाम है तुम्हारा, ज़बान दिखाओ, आँखें दिखाओ। तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। तो कुछ और स्पेशलिस्ट आए डॉक्टर, उन्होंने आके ना जो एक स्प्रिट टाइप कोई था, आई थिंक कोई लिक्विड था, उन्होंने वो टिशू के ऊपर लगा के ना शबाज़ को सुंघाया, उसके ना नाक और मुंह में वो चला गया। तो उसके बाद उसको एकदम से होश आई और होश आते ही ना उसके हाथ पैर ना उल्टे हो गए।
पाँव भी उल्टे हो गए, हाथ भी उल्टे हो गए, पूरे मतलब जो एक वार्ड थी हॉस्पिटल की वहाँ पर हफरा दफरी सी मच गई। सब देख के ना उसको डरने लग गए शहबाज भाई को, तो सब लोगों को उनको डॉक्टर्स ने बाहर निकाल दिया, हमें भी बाहर निकाल दिया। कुछ वीडियो हमने बनाई, वो आपको भी आपको दिखाते हैं क्लिप में। तो एक हफरा दफरी का माहौल वहाँ पर बन गया। तो फिर हमने शहबाज भाई के भाइयों को भी बताया कि ये सारा मामला हमारे साथ हुए। तो खैर जैसे तैसे करके शहबाज भाई और हमने वो रात निकाल ली और अगले दिन हम उसी हॉस्पिटल में थे। तो हमें किसी ने कहा कि आप, हमें तो पता था मसला क्या हुआ। तो खैर हमने एक हॉस्पिटल जो है देखा और तो हमने ना हॉस्पिटल को चेंज कर लिया। तो हॉस्पिटल को चेंज करने के बाद जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने शहबाज भाई की आंखें वाँखें चेक की, ज़बान चेक की। तो चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि इसने कोई चीज़ खाई है जहरीली। तो हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर उन्होंने अपने टेस्ट जो टेस्ट दिए थे हमें वो करवाए उनके बॉडी के, तो कोई भी चीज़ नहीं निकली। तो हम बड़े परेशान, हमने अपने बुज़ुर्ग साहब से बात की। उन्होंने ये बात कही कि बेटा जो ये चीज़ है ये समझ नहीं आ रही है क्या, जैसे कि इंसानों में भी नस्लें होती हैं, कास्ट होती है, इसी तरह इन चीज़ों में भी कास्ट और नस्लें होती हैं जी। तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से शहबाज भाई उस चीज़ के कब्ज़े में अभी भी। तो खैर बड़े ज़्यादा मामलात हमारे साथ हुए, अभी भी हो रहे हैं। तो देखने मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1:47 हो गए हैं इस, और रात के 2:45 बैठ के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि जी आपका प्यार, आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। हम आपके लिए अब तक हमने इतनी हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके विज़िट किया, इतना कुछ किया, ये सारा कुछ आपको दिखाया, तो इतने में हमें मतलब इतने अवार्ड्स नहीं मिल गए। यहाँ प्यार आप लोगों का बहुत मिला, तो उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके। और 221 एपिसोड इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे। बस अल्लाह से दुआ है और आप लोग भी दुआ करें कि शहबाज भाई जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और हम आपको 221 एपिसोड तभी दिखा पाएंगे जब वो सेहतयाब हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वो ख़ुद बताएं ताकि आप समझ सकें वो क्या उनके साथ चीज़ें हुई। और 220 एपिसोड जो आपने देखा उसके अंदर जो जो मामला उनके साथ हो चुके हैं वो अब एक दफ़ा दोबारा देखें और फैसला करें कि वो क्या होगा। अब ये जो चीज़ आपने देखी है, ये जो ब्लैक शैडो था, ये अजीबोगरीब कोई मखलूक लग रही थी, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी, तो वो एक सेकंड में कैसे आग जो हमारी आग झपकी है उसने उतनी देर में ही शहबाज को कमरे के अंदर ले गई और उसके साथ पता नहीं क्या चीज़ हुई, ये समझ नहीं लग रही। आपसे इल्तिजा है कि आप दुआ करें शहबाज भाई के लिए और हम सब के लिए कि हम ऐसे ही आपको प्रोग्राम बना के दिखाते रहें, और जो एपिसोड हमने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, जो एपिसोड अब मतलब हम 21 को जो है अभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज जैसे ही रिकवर होगा हम आपको 21 एपिसोड तभी दिखाएंगे। अब 22 एपिसोड और इससे आगे जो हमारे पास कुछ प्री रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, जैसे कि हमने काफ़ी प्रोग्राम पहले से ही रिकॉर्ड करके रखे होते हैं, अगर खुदा ना खासा कि किसी के साथ मसला पेश आ जाता है तो हम एपिसोड्स पहले ही रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये मतलब हमारा बंद ना हो, ये आप देखते रहें। अब जो पहले के एपिसोड्स हैं वो आप देख पाएंगे वो क्या होगा, कि जो अभी न्यू एपिसोड्स हैं वो अब हमने रिकॉर्डिंग मतलब हम नहीं कर रहे तकरीबन आज कोई 14 से 15 या 16 दिन हो गए जी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। तकरीबन पीछे कोई हमारे पास अभी भी 7 एपिसोड्स पड़े हुए हैं, वो आप देख पाएंगे जब तक हमारे पास एपिसोड्स पड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से शहबाज भाई जैसे रिकवर ठीक होते हैं, हम दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे उस जगह को जाकर, और हॉस्पिटल में हमारे साथ जो जो चीज़ें हुई वो तो हम आपको एपिसोड 21 में ही दिखा पाएंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें शहबाज के साथ हुई जब हम दोबारा हमने हॉस्पिटल चेंज किया, जो जो एक्टिविटीज़ हुई वो देख कर यकीन मारे हम इतने खौफज़दा हो गए कि हमने तौबा कर ली कि हम ये काम नहीं करेंगे जो जो हमारे साथ हो गया। अब आप भी ये देखेंगे ना तो आप भी यही चीज़ कहेंगे कि यार खुदा के लिए ये चीज़ें बनाना आप छोड़ दें, जो जो हुआ
उस हॉस्पिटल में शबाज़ के साथ, अगर आपको वीडियो दिखा दें, मखलूक हमने रिकॉर्ड की उस कमरे के अंदर, उस हॉस्पिटल में हमने कैमराज लगाए, वो आई, वो चीज़ हमने रिकॉर्ड की, इतनी खौफनाक थी वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। और इन सब में, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसले मसाले हमारे साथ आए। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी किस्म की हमारी हेल्प करना चाहते हैं, तो अकाउंट्स के जो हैं ये सारे अकाउंट नंबर, बैंक के अकाउंट नंबर, ये आपके सामने शो हो रहे हैं जी। डिस्क्रिप्शन में भी ये मैं लिंक आपको दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल दे दूँगा। अगर कोई भी सब्सक्राइबर हमारा, दोस्त भाई बहन हमारी, हमें सपोर्ट करना चाहता है, तो ये बैंक की डिटेल्स आपके सामने, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे लिए दुआ कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन शॉर्ट रिकॉर्ड करते रहें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।